ये वादियों से हम लोग गुजरते हुए कई तरह से नेचुरल वाटरफॉल्स भी हो रहा, वाइपर भी सता रहे हमारी गाड़ी के। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड वी आर राइट नाउ एट पॉन्डिचेरी। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे बीच, वहाँ पे थोड़ा सनराइज देख लेंगे जितना भी मिला। थोड़ा लेट हो चुके हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं व्हाट वी कैन कैप्चर एंड देन विल डिसाइड वहाँ से ब्रेकफास्ट या क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ही रहने वाला है। तकरीबन सनराइज़ हो रहा है लेकिन हमारे साथ जो हमारे घर वाले हैं हमेशा की तरह लेट हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी में बैठ कर। ऐसी तो स्टोरी है पूरी ट्रिप की हमारे। ये समंदर के लहरा कितना ख़तरनाक भी दिख रहे हैं और इनकी आवाज़ कितनी सुकून की भी दिख रही है, मतलब एक तूफान अंदर खुद बखुद ही थमे वैसा दिख रहा है। ये लहरा जो आ रहे हैं इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, बयान नहीं कर सकते जो पीस मिल रहा ना ये आवाज़ से। दुनिया भी कितनी खूबसूरत चीज़ है और हम इसको तबाह करने के लिए कगार पे है, कि मतलब देखिए यहाँ पे कचरा भी डाल रहे हैं इन पर। दिस प्लेस इज वर्थ कमिंग। ये जो बीच में जो दिख रहा है बेसिकली ये पोर्ट था कोई, पर इट इज़ नॉट, दे हैव टेकन इट आउट एंड इट इज़ नॉट इन ऑपरेशन। ये सनराइज का टाइम है, अभी हो गया सनराइज, लेकिन देखो आप कितना खूबसूरत रहे हो। ये पाइपलाइन कही जा रही है, मेरे को खुद आइडिया नहीं। सी शेल बाय द सी शोर। रेत भी बहुत नरम है, एज यू कैन सी इफ आई पुट डाउन माय फीट इट इज गोइंग वे डीप इनसाइड। पूरे हमारे पांव के निशान है ये। ओके, यहाँ से अभी ये क्रूज भी आ गई इतनी करीब तक। समंदर की दुनिया भी अलग है। अयान खेल लिया पानी में? हाँ, और खेलना है?
आ जाओ यान। अभी अभी हमें मालूम पड़ा है कि वो क्रूज का नाम कॉर्डिला है एंड दैट सेल्स फ्रॉम चेन्नई टू मालदीव्स, कंप्लीट क्रूज लेके जाती है। पैकेज आई डोंट नो, नो आइडिया अबाउट इट, पर वो है बहुत अच्छा पैकेज है उसका, मतलब इट इज़ वेरी कॉस्टली, बट ट्रैवलिंग टू मालदीव्स इन दिस क्रूज इज क्वाइट यू नो टाइम टेकिंग प्रोसेस। इफ समवन इज वेरी मतलब अगर किसी को सी सिकनेस है then they should not take it. That is my opinion. Cordilla is the name of the cruise ship. देख सकते हैं आप लोग, ये ship का नाम Cordilla है, so Cordella. ये यहाँ के 7-seater autos है और ये local shop से हम लोग नाश्ता ले रहे हैं, हमारा इडली डोसा हुए और हमारा स्टे आज का ये है, ये बिल्डिंग है और ये कम्प्लीटली मार्केट है पूरी। अंदर देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी लोकल मार्केट है यहाँ की, फ्लावर और अपने सामान मिलता है यहाँ पे। ये है हमारा प्रना ग्रांडे, आज का स्टे है हमारा, ये लोकल बीच लोकल मार्केट में है हम लोग यहाँ पे। ये ट्रिप में हमारे साथ एक सीन हो गया, हमारा कमरा लॉक हो गया था बेचारे, आके लॉक तोड़ दिए, लॉक तोड़े देखो हमारे बॉयस, क्या हुआ कमरा कुछ ना कुछ होना जरूरी है हमारे ट्रिप में। देखिए अब लॉक तोड़ दिए और क्या क्या तोड़ने वाला है कि अब ये हम लोग का पूरा सामान, एक गाड़ी और इतना सामान, वाह। ये बैग्स भी है यहाँ पे, आपकी नींद हुई पूरी बराबर हो गई, आपकी नींद हुई, नहीं हुई तो सो जाओ ना। चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर से, नई नई ट्रेजेडियां हो रही हमारे साथ भी। झलक अशरफी श्रीवल्ली फर्नीचर मार्ट ये हम आए हैं सफेद गन्ने का जूस पीने, भाई दे रहे हैं 80 रुपए में 2 लीटर का बॉटल, बिल्कुल हमारे रूम के पास है और ट्रैफिक पड़ रही, 10 बज रहे हैं यहाँ के। कितना रिफाइन निकल रहा है देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले बुरा निकल रहा है, ये बबल वबल प्रोसेस निकलने लगा है, एकदम बड़ी मोटर के साथ चल रहा है जूस भी। बॉटल पे जा रहा है, बॉटल में पानी है, हवा चल के पानी बॉटल नहीं करना बल्कि उसमें पानी चल कर पानी फेंक देते हैं, ये पानी निकाल देते ना। छलिया छिंदर नींबू और अदरक भी डाल दिया भैया हमारे।